वाह क्या मौसम है। आप लोग सब यही रहते हैं? यस सर। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियां बड़ी मशहूर होती हैं, खासकर कुमाऊं में। बिल्कुल सर, है ना, होती है ना। कोई नाम याद है या मैं ही बता दूं? नाम सर वैसे तो हमें याद है नहीं, क्योंकि भाई आप लोग जो बचपन में सुनाती थी। हाँ हाँ, इतना वक्त हो गया है कि वो कभी रिपीट हो ही नहीं पाए। ओ नहीं, लेकिन मैंने जो सुनी है कहानी मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। राजूला मालूशाही की भी एक कहानी है जो उत्तराखंड में बहुत मशहूर है। अगर सर आपको अगर आती है तो हो जाए, है ना, मौसम भी अच्छा है, आग भी जली हुई है। ये बात तो ठीक है। भाई देखो, वैसे तो उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रेम कहानियाँ हुई हैं। जी सर। खासकर कुमाऊँ क्षेत्र में तो कहना ही क्या। तो कुमाऊँ क्षेत्र की ही एक बड़ी मशहूर कहानी मुझे याद आती है, मैंने कई बार पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, राजूला मालूशाही की कहानी। बात तो बहुत पुरानी है, जब उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में राजा दुला शाह का राज चलता था, उनकी राजधानी थी बैराट। अच्छे राजा थे, लेकिन उनके साथ एक समस्या ये थी कि वो बेचारे निसंतान थे। तो बड़ी कोशिश की उन्होंने, बहुत जगह मन्नतें मांगी, लेकिन अफसोस कि उनको पुत्र प्राप्ति या संतान सुख नहीं हुआ। परेशान हो गए, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो किसी ने उनको बताया कि आप बागनाथ बागेश्वर जाइए, बागनाथ बागेश्वर वहाँ जाकर दिल से मन्नत मांगिए तो शायद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। राजा दुला शाह को लगा बिल्कुल ठीक है, तो वो बागनाथ बागेश्वर चले गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात भोट एक जगह है, वहाँ के एक बड़े मशहूर व्यापारी थे सुनक शौका और गांगुली, वहाँ उनकी मुलाकात उनसे हुई। वो भी निसंतान थे और संतान सुख के लिए वहाँ मन्नत मांगने आए थे। राजा दुला शाह, सुनक शौका और गांगुली की जब मुलाकात हुई तो दोनों ने इस बात को समझकर आपस में ये तय कर लिया कि यदि यहाँ बागनाथ बागेश्वर में मन्नत मांगने से उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो उनके घर में यदि संतान लड़का या लड़की हुई, दोनों के घर में अलग अलग, तो आगे चलकर वो उन दोनों का विवाह कर देंगे। बाबा बागनाथ की कृपा से राजा दुला शाह के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और सुनक शौका और गांगुली के घर एक पुत्री का। राजा दुला शाह ने अपने बच्चे का नाम रखा मालूशाही और वहां उस पुत्री का नाम रखा गया राजूला। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ज्योतिषियों ने राजा दुला शाह को बताया कि मालूशाही जो पुत्र है ये बहुरंगी है और जन्म के पांचवें ही दिन इसका विवाह करना होगा। समस्या बड़ी थी, लेकिन राजा दुला शाह ने तुरंत इस बात को समझते हुए अपने लोगों को भोट राज्य की तरफ रवाना किया कि वो वहाँ जाएं और जाकर सुनक शौका और गांगुली से अपनी पुत्री राजूला का विवाह मालूशाही से तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों परिवारों की सहमति से राजूला और मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह कर दिया गया, क्योंकि ज़रूरी था मालूशाही के लिए और राजूला के लिए भी। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मंगनी के कुछ ही दिनों के बाद राजा दुला शाह की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब राजा दुला शाह के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जिन्होंने इस बात का फायदा उठाने के लिए ये दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो लड़की मंगनी होते ही अपने ससुर को खा गई, यदि उसने इस राज्य में कदम रखा तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी कोई बात थी नहीं, लेकिन अब दरबारियों को फायदा उठाना था तो उन्होंने इस बात को कह दिया और उन दरबारियों ने मिलकर यह तय किया कि मालूशाही को ये बात जब बड़े हो जाएंगे मालूशाही तो ना बताई जाए, ना उन्हें यह बताया जाए कि उनकी मंगनी कर दी गई और ना ही उन्हें यह बताया जाए कि ये लड़की राजूला है, और इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। समय बीतता गया, मालूशाही बड़े हो गए, उधर राजकुमारी राजूला भी बड़ी हो गई और भोट में जहाँ राजकुमारी राजूला की परवरिश हुई वहाँ पर राजकुमारी राजूला खूबसूरत इतनी थी कि उसके चर्चे होने लगे। एक दिन राजूला ने अपनी माँ से सहज भाव से पूछा, माँ
दिशाओं में कौन सी दिशा सबसे प्यारी है, पेड़ों में कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है, गंगाओं में कौन सी गंगा सबसे बड़ी है, देवों में कौन देव है जो सबसे बड़े हैं, राजाओं में कौन राजा है, और देश में कौन सा देश, इतने सब देश से कौन सा देश सबसे बड़ा है। राजूला की माँ ने राजूला को सहज भाव से बताया कि दिशाओं में सबसे प्यारी दिशा है पूर्व दिशा, जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान करती है। देवों में सबसे बड़े देव हैं महादेव, जिन्हें आशुतोष भी कहते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी गंगा है भागीरथी, क्योंकि वो सभी पापियों के पाप होती है। पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ है बरगद का। राजाओं में सबसे बड़ा राजा है राजा रंगीले मालुशाही, जो कि बैराट के राजा है। और देशों में सबसे बड़ा देश बैराट ही है। राजूला ने जब ये बात अपनी माँ से सुनी तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा विवाह रंगीले मालुशाही से ही करना, मुझे बैराट में ही जाना है। माँ ये सुनकर मुस्कुराई और चुप हो गई, क्योंकि विवाह तो वहीं तय हुआ था, मंगनी वहीं हो चुकी थी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक सोनपत शोंका के घर राजा भिक्खीपाल आया। राजा भिक्खीपाल ने राजूला को देखा तो राजूला के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा विवाह राजूला से करवा दीजिए, मैं राजूला को रानी बनाकर अपने देश हून देश के राजा थे, तो उन्होंने कहा कि मैं राजूला को अपने हून देश में राजकुमारी बनाकर ले जाऊंगा। सोनपत शोंका इस बात को सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि वो तो उसका विवाह रंगीले मालुशाही से बचपन में ही तय कर चुके थे। उन्हें चुपचाप देखकर राजा भिक्खीपाल को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं राजूला से ही विवाह करूंगा, और यदि आपने मेरा विवाह राजूला से नहीं किया तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर राजा भिक्खीपाल उस समय वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि राजूला ने सपने में रंगीले बैराट के राजा मालुशाही को देखा, और उधर मालुशाही ने भी सपने में राजूला को देखा और उस पर मोहित हो गए। तो एक तरफ तो रंगीले मालुशाही मोहित हो गए, और उधर राजूला ने भी जब सपने में मालुशाही को देखा तो वो मोहित हो गए। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा कि उसे रंगीले मालुशाही से ही विवाह करना और बैराट जाना। बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो गई कि अब ऐसा कैसे हो सकेगा, क्योंकि राजा भिक्खीपाल ने तो सख्त आदेश दिया है कि मैं उसे विवाह करके हून देश लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने राजूला से कहा कि अब ऐसा कैसे होगा, तुझे तो हून देश जाना है। राजूला ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे हून देश नहीं जाना, मुझे बैराट ही जाना है, तुम मुझे बैराट का रास्ता बता दो, मैं खुद ही बैराट चली जाऊंगी और वहां जाकर राजा मालुशाही से अपने मन की बात कह दूंगी। अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछने के बाद राजूला उसी रात एक हीरे की अंगूठी लेकर बैराट के लिए निकल पड़े। बैराट जाने के लिए मुंशियारी होते हुए वो बागेश्वर पहुंची, तो वहां से उसे कफू पक्षी बैराट के रास्ते पर ले चला। उधर मालुशाही ने अपनी माँ से कहा कि उसे राजूला से ब्याह करने के लिए जाना है, तो उसकी माँ ने मना कर दिया, बोले नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालुशाही ने जिद की और जिद में आकर उसने खाना पीना छोड़ दिया, रानियों से बात करनी बंद कर दी। मालुशाही की माँ को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक जड़ी बूटी सूंघा कर मालुशाही को 12 सालों के लिए बेहोश कर दिया ताकि वो जा ही ना सके। लेकिन उधर
राजूला को कफू पक्षी बैराट ले आया। राजूला किसी तरह से महल में पहुंची तो वहां उसे जाकर पता चला कि मालूशाही तो बेहोश है। तो वो मालूशाही से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाई। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया कि उसने हीरे की अंगूठी जो वो अपने साथ लेकर आई थी बेहोश मालूशाही की उंगली में पहना दी कि जब भी मालूशाही को होश आएगा वो अंगूठी देखेगा, पहचान लेगा और फिर मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। अंगूठी पहनाने के बाद राजूला फिर से अपने घर भोट वापस आ गई। समय गुजरता गया। अब क्योंकि राजा मालूशाही को तो 12 सालों के लिए बेहोश कर दिया गया था, तो 12 सालों के बाद जब राजा मालूशाही को होश आया तो उन्होंने भोट जाने का प्रण कर लिया, अंगूठी पहचान ली। लेकिन इस बीच एक मुश्किल ये हो गई कि राजूला का विवाह विक्कीपाल से कर दिया गया और विक्कीपाल उसे लेकर होन देश चला गया। मालूशाही को पता चला कि राजकुमारी राजूला अब भोट में नहीं होन देश में है, तो मालूशाही ने होन देश जाने का ही प्रण किया और वो सीधा होन देश के लिए निकल पड़ा। अब दोस्तों, राजा मालूशाही ने ये प्रण तो कर लिया कि वो होन देश जाएंगे और अपने राजूला को वापस ले आएंगे, क्योंकि जाते जाते राजूला अंगूठी पहना कर भी गई थी और उनके सिरहाने एक पत्र रख कर भी गई थी कि मैं तो आई थी तुमसे ब्याह करने, लेकिन तुम बेहोश थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुला दिया। अब यदि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जब भी तुम्हें होश में आए इस अंगूठी को पहचान लेना और होन देश आकर मुझे ले जाना। और वैसे भी राजा मालूशाही को राजूला से प्रेम हो ही गया था। अब सोच तो लिया कि होन देश जाएं और राजूला को ले आए, मगर इतना आसान नहीं था। तो मालूशाही ने सोचा कि इस कार्य के लिए गुरु गोरखनाथ की मदद ली जाए। ये सोचकर वो गुरु गोरखनाथ के आश्रम पहुंचकर वहां जाकर उन्होंने देखा कि गुरु गोरखनाथ धुनी रमाए बैठे हैं। वो उनके सामने बैठे और उनको आवाज दी कि हे गुरु गोरखनाथ, मेरी राजूला होन देश में है और मुझे उसको पाना है, मुझे कोई रास्ता बताइए। गुरु गोरखनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। मालूशाही ने फिर आवाज लगाई, हे गुरु गोरखनाथ, मेरी राजूला हूं देश में है और मैं उसे हर हाल में लाना चाहता हूं, कृपया करके मुझे रास्ता बताइए। आपकी बार भी गुरु गोरखनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा मालूशाही ने अपना मुकुट और अपने कपड़े नदी में बहा दिए और वहीं धुनी अपने शरीर पर मलकर गुरु गोरखनाथ के सामने बैठ गए। मतलब अपनी भी धुनी उन्होंने वहीं जमा ली और फिर कहा कि गुरु गोरखनाथ, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे हर हाल में राजूला को पाना है, मुझे रास्ता बताइए। अब गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोली और कहा कि राजन, राजूला तो हूं देश में है, तुम उसको लाने का ख्याल छोड़ दो, तुम अपने देश जाओ बैराट, वहां जाकर राजपाट संभालो, अपनी रानियों को संभालो, राजूला को भूल जाओ। मगर मालूशाही ने कहा, नहीं महाराज, राजूला को तो मैं लेकर आऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक रास्ता और बताता हूं, तुम अपने देश बैराट जाओ, हम एक डोला सजाएंगे, उसमें एक सुंदर लड़की को बिठाएंगे, उसका नाम राजूला रखेंगे और तुम्हारा विवाह उससे करवा देंगे। तो मालूशाही ने कहा, महाराज, किसी भी सुंदर लड़की को बिठा तो दोगे, मेरा ब्याह भी करा दोगे, लेकिन राजूला जैसा रूप सौंदर्य वो कहां से लाओगे। महाराज, रानियां तो मेरे पास भी हैं, लेकिन मुझे तो राजूला चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ राजूला को चाहता हूं और राजूला को मुझे लाना है, आप मुझे राजूला को लाने का रास्ता बताइए, नहीं तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब गुरु गोरखनाथ भी मजबूर हो गए, करें तो क्या करें, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने मालूशाही को एक विद्या सिखाई, बोक्साड़ी। उस बोक्साड़ी विद्या के प्रयोग से राजा मालूशाही को समझाया कि वो होन देश जाए और इस विद्या का
इस्तेमाल करके अपनी राजोला को ले आए। अब गुरु गोरखनाथ ने राजा मालुशाही को भोगसाड़ी विद्या तो सिखा दी, साथ में कुछ मंत्र भी सिखा दिए ताकि शोकादेश और हूण देश में जब वो राजा जाए तो वहाँ यदि उसको कोई विष दिया जाए तो उसका उन पर कोई असर ना हो और वो आसानी से अपने राजोला को ला सके। मगर इसके साथ साथ गुरु गोरखनाथ ने मालुशाही के लिए कुछ शर्तें भी रखी। उन्हें कहा कि तुम्हें जोगी का भेष धारण करना पड़ेगा। मालुशाही ने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। तो राजा मालुशाही के कान छेदे गए और उन्हें जोगी का भेष बना दिया। कान छेद दिए, सर के बाल भी मूंड दिए और जोगी का भेष धर्म के उनको ये कह दिया कि अब आप सबसे पहले अपने देश कैराड़ चाहिए, अपने महल में भिक्षा मांगिए और वहाँ का खाना भी खाइए और उसके बाद फिर आपको हूण देश जाना होगा। मालुशाही ने कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और वो जोगी का भेष बनाकर अपने महल पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने अपने महल में आवाज़ लगाई कि जोगी द्वार पर आया है, भिक्षा दो। तो वहाँ मालुशाही की एक रानी ने उन्हें देखा तो कहा कि अरे जोगी, तू तो मेरे मालू जैसा लगता है, तू कहीं मेरा मालू तो नहीं? अब जब रानी ने मालुशाही को ऐसा लगा कि जैसे पहचान लिया तो मालुशाही ने मना कर दिया, बोला नहीं मैं तेरा मालू नहीं हूँ, मैं तो जोगी हूँ, भिक्षा दो और मुझे खाना दो। रानी ने खाना दिया तो मालुशाही ने जब खाना शुरू किया तो उससे पहले उसके 5 ग्रास बनाए, 1 ग्रास गाय का, 1 ग्रास बिल्ली का, 1 ग्रास अग्निदेव का, 1 ग्रास कुत्ते का और 1 ग्रास खुद का, यानी उन्होंने 5वां ग्रास खाया। अब जैसे ही उन्होंने 5वां ग्रास खाया रानी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि वो जानती थी कि मालू तो पंचग्रासी है। उन्होंने पहचान लिया और वहाँ मालुशाही की माँ ने भी पहचान लिया। उन्होंने कहा कि हे मालुशाही, ये तुझे क्या हो गया, क्या कर रहा है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे राजोला को लेने जाना है और मैं हर हाल में जाऊँगा और इसीलिए मैं जोगी भी बना हूँ, तो मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, मैं जाऊँगा, मैं रुकूँगा नहीं। जब उन्होंने ज़िद कर ली तो रानी भी कुछ नहीं कर पाई और माँ भी कुछ नहीं कर पाई। माँ ने कहा ठीक है, जब तुम नहीं मानते और जाने चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक साथ ज़रूर भेजूंगी ताकि अगर कुछ होने लगे तो ये तुम्हारी रक्षा तो कर सके। इस बात पर मालुशाही ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि नहीं, मैं जोगी बन के जा रहा हूँ तो मेरा राज जोगी का ही रहेगा। और इतना कहकर मालुशाही हूण देश के लिए निकल पड़े। भाई भाई लोगों, कहानी में अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो अब मैं आपको उसके आगे की कहानी बताता हूँ। अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा मालुशाही हूण देश के लिए निकल पड़े। जब वो हूण देश में पहुंचे तो वहाँ क्या था कि जो पानी के कुंड थे बड़े बड़े, उनमें जहर मिला हुआ था ताकि बाहर से अगर कोई आए तो हूण देश में प्रवेश न कर सके। अब ना तो सैनिकों को ये बात पता थी और ना ही मालुशाही को। सफर से थके हुए थे, पानी पी लिया। अब वो तो विष से भरा पानी था, उन्होंने पानी पिया और वो सारे के सारे बेहोश हो गए। उस पानी में जो विष था उसकी जो अतिष्ठात्री थी उसे मालू पर दया आ गई। उसने देखा कि विष पान करने के बाद ये बेहोश हो गया, दया आई तो उसने मालू के शरीर से वो सारा विष निकाल लिया। होश में आने पर मालुशाही को याद आया कि उसे तो राजोला को लेने जाना है, तो वो तुरंत राजोला के महल की तरफ पहुंचे। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत चहल पहल है। अब चहल पहल तो होगी क्योंकि राजा विक्कीपाल राजोला को ब्याह कर जो लाया था। मालुशाही महल के पास पहुंचे और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, माई भिक्षा, क्योंकि जोगी के भेष में थे। फिर आवाज लगाई, माई भिक्षा। मालुशाही की आवाज सुनकर राजोला सोने के एक पात्र में उनके लिए भिक्षा लेकर आई। अब वहां
बालूशाही ने जैसे ही राजूला को देखा उसके रूप सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर जिसको सपने में देखा वो सामने थे और जिसको पाने के लिए वो आए थे, जोगी का भेष भी धरा था, सामने देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। राजूला ने उनको देखा और कहा कि जोगी क्या हुआ? उनको अचानक से लगा कि वो तो भिक्षा मांग रहे हैं। तो मालूशाही ने कहा कि रानी जरा अपना हाथ तो दिखाओ। उसने कहा क्यों, दिखाओ तो। राजूला ने जब अपना हाथ मालूशाही के हाथ में दिया तो मालूशाही ने कहा कि रानी तुम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम भला यहां कैसे आ गई, तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। राजूला ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे कहीं और होना चाहिए था, तो बताओ मुझे कहां होना चाहिए था। मालूशाही ने कहा कि रानी मैं ऐसे तो कुछ नहीं बताता, पहले तुम मुझे अपना नाम पता और गोत्र बताओ, तभी बता पाऊंगा। राजूला ने कहा ठीक है। तो राजूला ने कहा कि हे जोगी, मैं शौंक देश की हूं, मेरा नाम राजूला है और मैं यहाँ हूं देश में, मुझे विक्कीपाल ब्याह कर लाया है। मालूशाही ने कहा कि रानी तुम्हारा ब्याह तो रंगीले मालूशाही से होना तय हुआ है, तो फिर तुम यहां कैसे आ गई? राजूला यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई कि जोगी को यह बात कैसे पता है। इससे पहले कि राजूला कुछ कहती, जोगी ने पूछा कि रानी ये तो बता, तेरा भाग कैसे फूटा, तू यहां कैसे आ गई? यह सुनकर राजूला रोने लगे और उसने जोगी को बताया कि किस तरह उसके माँ बाप ने उसका ब्याह हूण देश के इस राजा विक्कीपाल से कर दिया और किसी भेड़ बकरी की तरह विक्कीपाल उसे ब्याह कर यहां ले आया। मालूशाह यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत अपना जोगी को चोला उतार दिया और राजूला से कहा कि राजूला मैं ही हूं मालूशाह, मैं तुझे लेने के लिए ही यहां आया हूं, अब तुझे कोई कुछ नहीं रोक सकता, मैं तुझे यहां से लेकर जाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मालूशाही की बात सुनकर राजूला खुश हो जाती है, लेकिन मन में एक डर भी होता है कि विक्कीपाल के इस महल से वो कैसे लेकर जाएगा। लेकिन फिर भी वो उसे समझा देता है मालूशाही कि मैं ले जाऊंगा। राजूला मालूशाही को महल में लेकर आती है और विक्कीपाल से कहती है कि ये एक बहुत बड़े जोगी हैं और बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, यदि हम इन्हें यहाँ रखेंगे तो ये हमारे राज्य का बहुत भला करेंगे। विक्कीपाल राजूला की बात सुन तो लेते हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं शंकित भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजूला इस जोगी की इतनी बड़ाई कर रही है, कहीं कोई बात खराब तो नहीं है, मगर कुछ बोल नहीं पाते। राजूला की बात सुनकर महल में जोगी को रख लेते हैं लेकिन अपने सैनिकों को राजूला और मालूशाही की जासूसी में लगा देते हैं। उनसे बोलते हैं कि इन पर नजर रखो। ये बात मालूशाही और राजूला को पता नहीं चलती। वो दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते हैं विक्कीपाल के सैनिक उन्हें देखते हैं और इसकी खबर विक्कीपाल को देते हैं। कुछ ही दिनों में विक्कीपाल को पता चल जाता है कि ये रंगीले मालूशाही हैं और बैराट के राजा हैं और यहाँ किसी विशेष मकसद से ही आए हैं। वो कुछ नहीं कहते लेकिन अपने महल में एक जहर से भरी हुई खीर बनवाते हैं और उस खीर को मालूशाही को खाने के लिए दे देते हैं। अब मालूशाही को तो पता नहीं था कि इस खीर में जहर है, वो उस खीर को खा लेते हैं और खाते ही दम तोड़ देते हैं। मालूशाही के मरने की खबर जैसे ही राजूला को लगती है, राजूला भी बेहोश हो जाती है। महल में राजूला बेहोश हो गई और मालूशाही तो मर ही चुके थे। उसी रात मालूशाही ने अपनी माँ को सपने में आकर बताया कि हूण देश में उनके प्राण निकल चुके हैं। मालू की माँ ने अगले ही दिन मालू के मामा मृत्यु सिंह को बाबा गोरखनाथ के साथ ये कहा कि आप हूण देश जाइए और वहाँ जाकर मेरे मालू को बचा कर लाइए। मालूशाही के मामा मृत्यु सिंह गुरु गोरखनाथ के साथ हूण देश पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बोक्साड़ी विद्या, जो उन्होंने मालू को भी सिखाई थी, उसी विद्या के प्रयोग से मालू को पुनर्जीवित कर दिया। जब मालूशाही पुनर्जीवित हो गए
तो उन्होंने महल में जाके राजूला को भी जगा दिया। तो भाई जब बालूशाही पुनर्जीवित हो गए और राजूला भी होश में आ गई, सैनिकों को भी पुनर्जीवित कर दिया गया क्योंकि बहुत सारी विद्या थी और गुरु गोरखनाथ तो थी। उसके बाद मालूशाही के सैनिकों ने होन देश के सारे सैनिकों को मार दिया और राजा विक्रीपाल को भी मार दिया। उसके बाद मालूशाही ने बैराट में खबर भिजवाई कि मैं राजूला को लेकर बैराट आ रहा हूँ, हम दोनों का धूमधाम से स्वागत किया जाए और हमारे विवाह की तैयारी की जाए। उसके बाद दोनों बैराट आ गए। वहाँ आने के बाद उनका विवाह हुआ धूमधाम से। तो वहाँ राजूला ने मालूशाही को यह भी कहा कि मालू, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूँ और जो 10 रंग का होगा मेरा विवाह उसी से होगा, और देखो तुम 10 रंग के हो और मैं नौरंगी, हम दोनों का विवाह हो गया। दोनों खुश रहे। उसके बाद दोनों ने बहुत समय तक उसी बैराट में राज किया। उत्तराखंड की ये प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। कुमाऊं अंचल में इस प्रेम कहानी को बहुत लोग जानते हैं, खासकर पुराने लोग, और आज भी इस कहानी का बार 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 लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी। तो मुझे भी ये कहानी याद थी और जब आप भाई लोगों ने कहा तो मैंने सुना दी। कैसा लगा आप सबको? बहुत, बहुत।